अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने डेस्कटॉप पर लाइव वॉलपेपर लगा सकते हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल फ्री में। या ये देखें, ये जो अभी आपको विंडो 11 का लोगो नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर आप लाइव वॉलपेपर लगा सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी के साथ। अपने सबसे पहला काम ये करना है कि ग्राफिक कस्बा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टोर है इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे लाइवली वॉलपेपर। ये मैंने डाउनलोड किया हुआ था, ये देखें ये नज़र आ रहा है आपको, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ था, लेकिन अब मैंने वीडियो बनाने के लिए इसको रिमूव किया। अब दोबारा इंस्टॉल करके बताऊँगा आपको, ठीक है जी। इस पर क्लिक कर दें, ये सबसे ऊपर ही आ गया लवली। ये लोगो देख लें आप, ये और भी है नीचे, ये देखें लवली वॉलपेपर, ये लवली वॉलपेपर, ठीक है। आपने इसको डाउनलोड करना है, यहाँ से आप इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। ये जितनी देर ये डाउनलोड होता है मैं उतनी देर वीडियो पास कर दूंगा। जी ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, अब आप यहाँ ओपन पर क्लिक कर देंगे। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। जी ये हमारा आ चुका है, अब आप इसको इंस्टॉल करेंगे। ये देखें सबसे पहले ये वेलकम की स्क्रीन दे रहा है, ठीक है जी। आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद ये कह रहा है स्टार्ट विद विंडो। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये परमानेंट आपके वॉलपेपर लगा रहे तो आप इसको स्टार्ट रखेंगे। जब विंडो आपकी स्टार्ट होगी तो ये वॉलपेपर उसके साथ ही चलेगा, ठीक है जी। आप नेक्स्ट करते हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये टास्क बार थीम है, ठीक है। ये कुछ ऑप्शन है, ये मैं आपको सेटिंग में बताता हूँ। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं, ये आपको तरीका बता रहा है इसका, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, ठीक है जी। ओके करते हैं, जब आप वो पिक ओके करेंगे तो ये आपके सामने कुछ वॉलपेपर आ चुके हैं, ठीक है जी। अब किस भी पर भी क्लिक करेंगे तो वो आपका वॉलपेपर चल जाएगा। जैसे ये देखिए मैट्रिक स्टाइल है, इस पर क्लिक करें, थोड़ा सा कुछ सेकंड का टाइम लेता है, वो देखिए पीछे लग चुका है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, ये देखिए कैसा फर्क दे रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई हैकिंग कर रहा है तो उसने पीछे है उसके डेस्कटॉप पे ये वॉलपेपर नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ठीक है जी, जिस पर भी क्लिक करेंगे वो आपको शो होता जाएगा। ये देखिए तो देखिए अब ये शो हो गया। अगर मैं डार्क कलर को चिप चाहता हूँ, ये देखिए ये स्याह कलर आ जाएगा, ग्रीन कलर के होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ये ब्लू कलर के। अगर आप सबको दोबारा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करें, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक वॉलपेपर ये है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए इस पर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, लेकिन जब आप माउस को ऐसे मूव करेंगे तो ये वर्क करेगा। कैसे कलर मिक्स करके आपको देता जा रहा है इसका। ये भी अगर आपने पीछे म्यूजिक लगाया हुआ है ना तो उसकी बेस पर ये अलग अलग से कलर चेंज करता रहता है। ऐसे क्लोज करता हूँ यार, ठीक है जी। अब पता चल चुका होगा आपको इसका भी। अब बाकी बात करते हैं यार, ये सबसे पहले ये लाइब्रेरी है, ठीक है। ये जो लाइब्रेरी के अंदर है, ठीक है जी, ये बहुत सारे हैं। आप कोई भी चेक करेंगे ये वर्क करेगा, ये नहीं कि आप कह रहे होंगे एक दो बता के। ये देखें ये भी वर्क कर रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखें ये भी वर्क कर रहा है, ठीक है। ये सब वर्क करेंगे, ये ना कहिएगा कि एक दो बता रहा है, मैं आपको सब बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखें जहाँ पर भी जाएंगे ये लाइटिंग साथ जाएगी, ठीक है। अब लाइब्रेरी के नीचे आप देखें ये एड वॉलपेपर लिखा।
दिखा रहा है। ये सबसे पहली ऑप्शन दे रहा है ब्राउज की। अगर आपने कोई डाउनलोड की फॉर्मेट में किया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने किया हुआ है डाउनलोड, जैसे ये देखें, ये भी किया हुआ है, ठीक है। इसे ओपन करता हूँ तो ये मेरा ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है जी। अब ये कह रहा है जी आप यहाँ से कोई टाइटल चेंज करना चाहते हैं तो टाइटल चेंज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गूगल कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दें, कुछ लिख देते हैं, दिस इज माई, ठीक है जी। अच्छा कौन है इसका, यहाँ पे भी मुगल जी कर देते हैं, ठीक है जी। अगर वेबसाइट है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो सीधा ओके कर दें। ये थोड़ा सा प्राची कर रही है, देखिए उसके बाद ये इसको ऐड कर देगा। देखें जी ये हमारा वॉलपेपर लग चुका है, ठीक है जी। इस तरह आपने कोई भी डाउनलोड किया होगा तो आप ऐड पे जाके ब्राउज करेंगे, उसको लगा लेंगे। जैसे कि देखें टाइटल देना चाहते हैं, दे नहीं देना चाहते तो छोड़ दें आप, कोई प्रोसेस करेगा। ठीक है जी वो भी लग चुका है, ठीक है जी। उसके बाद आप ये देखें, ये हेल्प कह रहा है आपको, अगर किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से उनके साथ रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें अबाउट का सेक्शन है, इसके अंदर लाइसेंस का चाहेंगे तो ये आपको पूरा दे देगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूशन है, आप इनको भी देखना चाहते हैं तो ये भी आपको बता देगा, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें, ये ऊपर कंट्रोल पैनल है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये कुछ ऑप्शन दे रहा है, सिलेक्टेड स्क्रीन ओनली, जो स्क्रीन आपने सेलेक्ट की हुई है वही, या स्पैम अक्रॉस स्क्रीन चाहते हैं आप तो इस पर क्लिक कर देंगे, डुप्लीकेट सेम वॉलपेपर चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। वैसे हम सिलेक्ट स्क्रीन ओनली पर ही बेस्ट होता है। उसके बाद ये देखिए कस्टमाइज वॉलपेपर, इस पर क्लिक करें तो अब आप क्या कर सकते हैं कि इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसकी सैचुरेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ह्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये देख कंट्रास्ट, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये गैमा इसको भी कर सकते हैं, ये मैं कुछ कर भी, ये ब्राइटनेस काम करते हैं, ये देखें। अब जैसा रख आपको अच्छा लगता है, ज़्यादा करना चाहते हैं तो देखो बहुत बुरा होता जा रहा है, जहाँ पे भी आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, नहीं तो डिफॉल्ट पे रहने दें। उसके बाद ये कंट्रास्ट देखेंगे, जैसे आपकी आंखों को अच्छा लगता है वैसा रख सकते हैं, ठीक है। ये देखें बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये नाइट व्यू में आ जाएगा, यहाँ से आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए तेज हो चुकी है, यहाँ से आप इसको म्यूट कर सकते हैं, ठीक है, और रिस्टोर और डिफॉल्ट पर भी कर सकते हैं, जो डिफॉल्ट है वो सेटिंग हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद फिर चलते हैं जी, आप सेटिंग पे समझ आ चुकी होगी यार आपको, सेटिंग पे चलते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। ये वही मैंने जो आपको इंस्टॉल के वक्त बताया था, स्टार्ट विद विंडो, अगर आप चाहते हैं कि ये लगा ही रहे तो इसको ऑन ही रहने दें। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं जो रखना चाहते हैं, ठीक है। ये साइज ये आपको ऑप्शन ही दे रहा, यूज़र इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद ये है कि यहाँ से आप इसकी लोकेशन वगैरह को देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जहाँ पे भी आके वॉलपेपर पड़े होंगे ये वॉल पे आपको ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये डार्क रखना चाहते हैं, लाइट लाइट तो नहीं इतना अच्छा लग रहा है लेकिन ये डार्क बेस्ट है, ठीक है जी। उसके बाद ये परफॉर्मेंस आ जाती है उसकी, ये नथिंग वगैरह पढ़ लीजिएगा आप। एप्लीकेशन फुल स्क्रीन रखना चाहते हैं, पास या नथिंग या किल की ऑप्शन उसने डिसेबल कर दी है, ठीक है। उसके बाद ये वॉलपेपर की ऑप्शन आ जाती है, फिल रखना चाहते हैं यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म फिल, ये पता है आपको, ये फिल में फुल कलर शो करेगा लेकिन यूनिफॉर्म में हल्का करेगा, और यूनिफॉर्म फिल में जो है 50% कर देता है, ठीक है जी। जो भी रखना चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें वॉलपेपर इनपुट, जैसे मैं आपको पहले कुछ चेंज करके बताता हूँ यार, इसका आपको पता लगेगा।
से मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं वॉलपेपर। आप देखें ये मेरे माउस के साथ वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं माउस को ला रहा हूँ ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको माउस की जगह चेंज कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा, ठीक है, तो ये मेरे माउस से काम नहीं करेगा। अगर मैं इसे कीबोर्ड कर दूंगा तो आप देखें ये मेरे जितने भी वो फोल्डर वगैरह थे वो सब उसने हाइड कर दिए, ठीक है। और तीसरी ऑप्शन है इसकी ये माउस वाली, ठीक है, माउस पे रख दें। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, माउस इंटरेक्शन वैन एप्लीकेशन फोकस, ठीक है जी, इसको अगर मैं अनचेक कर देता हूँ तो आप पीछे देखें ये मेरा काम करना जो है ना मिसिंग करता जा रहा है, ये देखिए बस, ठीक है, इसको आप चेक ही रखेंगे, ठीक है। अगर मैं इसे कीबोर्ड पे कर देता हूँ तो आप देखें ये समझ आ रही होगी आपको, इसको माउस पे रखें यार। ये आगे वीडियो प्लेयर है, ठीक है जी, आप जो सा भी रखना चाहते हैं इनमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा, VLC भी है, ठीक है। उसके बाद ये GIF की फॉर्मेट में है, ये MPV जो शो कर रहा है, ठीक है। ये बाकी डिफॉल्ट सेटिंग है उसकी, आप जो रखना चाहे आप अपनी मर्जी से इसकी वीडियो क्वालिटी रख सकते हैं, वरना डिफॉल्ट सेटिंग इसकी बेस्ट है। ये 180 प्लस भी है, ठीक है जी, लेकिन अगर आपका PC की कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी है तो आप प्लस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये वेब ब्राउज़र है, इंजन उसका CEF है, बाकी उसकी डिटेल शो कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ से आप ऑडियो के वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से सिस्टम टास्क बार थीम है, इसको ऑफ रहे, जब ये लगेगा तो ये खुद ही ऑफ हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद क्लियर किया, ये क्लियर कर देगा, ये जो आपको नज़र आ रही है पट्टी ये क्लियर कर देगा। ब्लर करना चाहते हैं तो ये ब्लर कर देगा, ठीक है। ये देखें ब्लर हो चुका है। ब्लर करना चाहते हैं तो ये देखें, ये भी एक ब्लर की टाइप ही है, ठीक है जी। वॉलपेपर करना चाहते हैं तो ये देखें, और जो रखना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से स्क्रीन सेवर भी है, ठीक है जी, कितने मिनट का आप लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में इसका आ जाता है ये सिस्टम ट्रे, अगर आप चाहते हैं कि ये सिस्टम ट्रे में शो हो तो आप इसको ऑन रखेंगे, अगर ऑफ कर देंगे तो ये सिस्टम ट्रे क्या जी, ये जो आपको शो हो रहा है ना, ये सिस्टम ट्रे है, ये उसके अंदर ये शो हो रहा है। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो अब ये उसके अंदर शो नहीं होगा, ठीक है, इसको ऑन ही रहने दें। बाकी ये डिबग है, ये लॉक फाइल है, ठीक है जी, बाकी इतनी कोई खास चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप जोन सा भी चेंज करना चाहते हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये रह गया, बाकी तो स्क्रीन हम चेक कर चुके हैं, ठीक है। ये देखें बहुत प्यारा सिंपल सा। उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।